आगामी 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा का सबसे बड़ा दांव मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ जैसे हिंदू पट्टी के राज्य में है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी ने इन तीनों ही राज्य में सामूहिक नेतृत्व में जाने का फैसला लिया। हिंदी पट्टी के प्रमुख राज्य राजस्थान में कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी चुनाव मैदान में है, लेकिन ऐसा पहली बार है जो बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री के चेहरे का ऐलान नहीं किया जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की दावेदारी यहां सबसे मजबूत मानी जा रही थी, जबकि अर्जुन मेघवाल की दावेदारी मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में उभर कर सामने आई है। लेकिन पार्टी ने अशोक गहलोत के खिलाफ सामूहिक नेतृत्व में चुनाव मैदान में उतरने का फैसला लिया है। मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, लेकिन इस बार बीजेपी शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर चुनाव लड़ने के बजाय सामूहिक नेतृत्व में चुनाव मैदान में उतर रही है। यहां पर ये बताना जरूरी है कि मुख्यमंत्री का चेहरा विधानसभा चुनावों के बाद विधायक ही तय करेंगे। बीजेपी की स्थापना के बाद ये दूसरा मौका है जब मुख्यमंत्री होते हुए भी बीजेपी सामूहिक नेतृत्व में विधानसभा चुनाव में उतर रही है।